please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. बिहार के दरभंगा में कॉलेज के शिक्षक और अन्य कर्मचारी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के बाहर प्रदर्शन करने लगे। शिक्षकों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर स्थायी नौकरी समेत तीन मांगों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया, जिसके बाद विश्वविद्यालय पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने इमारत के मेन गेट पर ताला जड़ दिया और परिसर में मौजूद कुलपति समेत अन्य अधिकारियों को बंधक बना लिया। इस दौरान प्रदर्शन में शामिल शिक्षक और अन्य कर्मचारी नारेबाजी भी करते रहे। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मेन गेट तोड़ने की भी कोशिश की, जिसे वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने रोक लिया। शिक्षकों ने मांगे नहीं माने जाने पर आंदोलन और तेज करने की धमकी दे दी। हम लोगों का मांग यदि नहीं मानते हैं तो हम लोग अभी आत्मदाह करने के लिए भी तैयार हैं। प्रदर्शनकारियों का ये हंगामा काफी देर तक चलता रहा। आखिर में विश्वविद्यालय प्रशासन ने उनकी मांगे जल्द माने जाने का आश्वासन देकर उन्हें शांत करवाया। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में सुरक्षा बल के जवानों ने पत्थरबाजी कर रहे कुछ लोगों को पकड़कर अपने सामने बैठा दिया। दावा किया जा रहा है कि वीडियो जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पत्थरबाजी की घटना के दौरान रिकॉर्ड किया गया, जिसमें साफ दिखा कि पत्थरबाजी कर रहे लोगों से बचने और उनको सबक सिखाने के लिए सुरक्षा बल के जवानों ने कुछ पत्थरबाजों को पकड़कर अपने आगे जमीन पर बैठा दिया। जवानों के इस जवाब से पथराव कर रहे लोग बौखला गए। उन्होंने हमारे साथियों को आगे लगाया रखा हुआ है ताकि कोई हम पे पत्थर न मारे। इस वीडियो में कई जगह पत्थर भी बिखरे नजर आए। दावा है कि ये पत्थर इन्हीं लोगों की तरफ से सुरक्षा बल के जवानों को निशाना बनाकर फेंके गए। इनको पकड़कर घरों से घसीट कर लाया गया है। जवानों के मुंहतोड़ जवाब से तिलमिलाए इन लोगों ने दोबारा पथराव की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद उनके एक साथी ने उनको रोक दिया। एक मिनट 48 सेकंड के इस वीडियो में सुरक्षा बल के जवानों को उकसाने की भी कोशिश की गई, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिले। हालांकि इस वीडियो में किसी को भी पत्थर फेंकते हुए नहीं देखा गया और न ही इस वीडियो की अभी तक पुष्टि हो पाई। इससे पहले मेजर गोगोई ने मई 2017 में पत्थरबाजों को सबक सिखाने के लिए एक आदमी को अपनी गाड़ी के आगे बांध दिया था, जिस पर खूब हंगामा बरपा था। केंद्र सरकार ने घाटे में चल रही एयर इंडिया की विनिवेश की योजना टाल दी। सूत्रों के मुताबिक चुनावी साल की वजह से सरकारी एयरलाइंस को लेकर ये फैसला किया गया, जिसकी वजह से सरकार एयर इंडिया के ऑपरेशन के लिए जरूरी फंड मुहैया करवाएगी। इसके अलावा एयर इंडिया के लिए नए विमानों की खरीद के ऑर्डर भी दिए जाएंगे, जबकि सरकार एयर इंडिया की 76% हिस्सेदारी बेचना चाहती थी, लेकिन तय वक्त यानी 31 मई तक एयर इंडिया की बोली लगाने के लिए कोई खरीदार सामने नहीं आया, क्योंकि एयर इंडिया पर करीब 50,000 करोड़ का कर्ज है, जिसके बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली की अगुवाई में हुई बैठक में ये फैसला लिया गया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मिट्टी के ढेर के नीचे दबे एक आदमी को पुलिस की मदद से बाहर निकाला गया। दावा किया जा रहा है कि विजय नाम का यह आदमी जिस जगह सो रहा था वहां नगर निगम के कर्मचारियों ने उसे देखे बिना डंपर में भरी मिट्टी गिरा दी, जिसकी वजह से वहां सो रहा विजय मिट्टी के ढेर के नीचे दबकर बेहोश हो गया और पूरी रात बेसुध वहीं पड़ा रहा। चश्मदीदों के मुताबिक ये मामला तब सामने आया जब कुछ कुत्तों को उस मिट्टी के ढेर के पास देखा गया जहां विजय दबा हुआ था। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और मिट्टी में दबे विजय को बाहर निकाला गया। इसके बाद विजय को इलाज के लिए पास के ही एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। पता नहीं चक्कर आया कैसे क्या हुआ, मैं कुछ समझ में नहीं आया। क्या आपके ऊपर क्या मलबा गिर गया? हाँ बस वैसे मलबा था। हैरान करने वाली बात ये रही कि विजय 8 घंटे से ज्यादा देर तक मिट्टी के ढेर के नीचे दबा रहा, लेकिन इस दौरान उसे कोई चोट नहीं आई। वहीं मामला सामने आने के बाद नगर निगम की तरफ से दलील दी गई है कि जिस जगह विजय सो रहा था उस मैदान में पहले से मिट्टी के कई ढेर लगे थे। जम्मू कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी गठबंधन की सरकार गिरने के बाद वहां के राज्यपाल एनएन वोहरा की सिफारिश पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यपाल शासन लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं, और राज्यपाल ने राष्ट्रपति से सिफारिश की थी और अब वहां पर राज्यपाल शासन लागू हो चुका है। तो जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू हो गया है। दरअसल कल बीजेपी ने पीडीपी से गठबंधन तोड़ दिया था, इसके बाद महबूबा मुफ्ती ने इस्तीफा दिया था और अब राज्यपाल शासन की सिफारिश मंजूर कर ली गई है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में कुछ छात्र प्रदर्शन करने लगे। ये छात्र यूपीपीसीएस की मुख्य परीक्षा में हिंदी का पेपर आउट होने के बाद पूरी परीक्षा रद्द करने की मांग पर अड़े हुए थे, जिसके बाद छात्र लोक सेवा आयोग की इमारत के पास पहुंचे, जहां पहले से मौजूद पुलिस वालों ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। कुछ देर बाद समाजवादी पार्टी की नेता ऋचा सिंह मौके पर पहुंची और छात्रों के समर्थन में अपने कुछ साथियों के साथ वहां धरने पर बैठ गई। पुलिस वालों ने ऋचा सिंह को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो धरना समाप्त करने के लिए तैयार नहीं हुई, जिसके बाद पुलिस वालों ने ऋचा सिंह को उनके साथियों के साथ हिरासत में ले लिया।
की परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए और फिर से पूरी मुख्य परीक्षा कराई जानी चाहिए, यही हम छात्रों की मांग है। छात्रों के हंगामे के बाद लोक सेवा आयोग ने मंगलवार की दोनों शिफ्ट के पेपर रद्द कर दिए, लेकिन छात्र पूरी परीक्षा फिर से करवाए जाने की मांग पर अड़े रहे।